हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिक्स टॉपिक। जो फिजिक्स का टॉपिक है स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास का ये चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स मोशन। मोशन है चैप्टर का नाम। नाइन्थ क्लास का ये चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है। तो इसकी कुछ इक्वेशंस हैं जो पेपर में बार बार पूछी जाती है, उन इक्वेशंस को हम डिराइव करने वाले हैं एक एक करके। तो मैं पहले यहाँ सारी इक्वेशंस लिख देती हूँ यहाँ पर, तो एक एक करके इनको डिराइव करेंगे। तो सबसे पहली जो इक्वेशन है ये मोशन की इक्वेशन है सारी। तो पहली इक्वेशन है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहले ये इक्वेशन ड्राइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करेंगे हम एस इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाय टू इंटू टी, ये सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करेंगे। और जो थर्ड इक्वेशन है हमारी, ये ड्राइव करेंगे हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन ड्राइव करेंगे। और फोर्थ इक्वेशन हम ड्राइव करने वाले हैं s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2as, ठीक है। तो ये यहां से देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, इक्वेशंस को। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और एक एक करके हम इनको ड्राइव करने वाले हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ड्राइव करेंगे इनको। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है ड्राइव करने जा रहे हैं हम, ठीक है। इक्वेशन कौन सी हमने ड्राइव करनी है, पहले मैं वो इक्वेशन लिख देती हूँ जोन सी ड्राइव करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो स्टूडेंट, हमने पहले पिछली क्लासेस में भी पढ़ लिया और लेसन स्टार्ट किया था तब भी बताया था मैंने आपको, जो ए है ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो अब वी क्या है, वी जो आपकी है फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, हमने ये इक्वेशन ड्राइव करनी है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी क्या है और इनिशियल क्या होते हैं, फाइनल क्या। मान लो कोई चीज यहां पर है, कोई वस्तु यहां पर है विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में जो वेलोसिटी है यहां पर यू होगी, जो इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग प्वाइंट। अब ये यहां पर पहुंच गई तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वी, ठीक है। और ये जो यू होती है, मोस्टली जब कोई वस्तु चलना शुरू करती है तो वो जीरो होती है, ठीक है, और ये फाइनल होगी वेलोसिटी। अब देखो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बनेगी इक्वेशन, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है। और यदि मैं ये u माइनस का ना यहाँ पर देखो, यदि मैं u यहीं पर रहने दू, v उधर ले जाऊं, या v इधर रहने दो u उधर ले जाऊं, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, ठीक है। या फिर हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये हमने जो है ड्राइव कर दी, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन ड्राइव करेंगे, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अगली इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है स्टूडेंट्स, सेकंड इक्वेशन जो हमने ड्राइव करनी है, तो वो इक्वेशन लिख देती हूँ मैं पहले, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइडेड बाय टू इंटू टी। तो ये सेकंड है जिसको हमें ड्राइव करना है, ठीक है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी निकाल लो सबसे पहले, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो चीज फाइनल में पहुंची यानी कि फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है। तो फाइनल जो है आपकी वेलोसिटी वो मैंने v ले रखी है, v प्लस इनिशियल u डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, v प्लस u बाय में 2, ठीक है। तो अब देखो जो s होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, s होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड, कुछ भी बोल लो। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है एवरेज वेलोसिटी
इंटू टाइम, ठीक है। जो एस होता है, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, ये किसके इक्वल होता है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम के। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास ये रही, है ना। तो मैं डायरेक्टली यहां पे उठा के लिख देती हूँ, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बाय में टू इंटू टाइम टी, ठीक है। तो यही इक्वेशन मैंने ड्राइव करनी थी, तो ये मैंने डिराइव कर दी, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन ड्राइव होगी। तो अब थर्ड ड्राइव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो देखो स्टूडेंट, ये वाली इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपने। जो दो इक्वेशन अभी पहले आपने ड्राइव की थी ना, एक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसका यूज करेंगे, और एक जस्ट अभी हमने ड्राइव करी है, s इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाय टू इंटू में t, ठीक है। ये पूरी होल ब्रैकेट थी यहाँ, ठीक है। इन दोनों का यूज करेंगे और कुछ नहीं करना, क्योंकि जो डिस्टेंस कवर होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस कवर होगा वो किसके इक्वल होता है, एवरेज वेलोसिटी। अभी बताया था मैंने इसको, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा से मुझे, ठीक है। तो अब जो आपने ये निकाली थी ना वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसके अंदर आपने सेकेंड वाली इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन को पुट कर दो। सेकेंड वाली इक्वेशन क्या थी, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बाय टू टी, ठीक है। इसके अंदर ये वाली इक्वेशन जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पुट करनी है, यानी v की जगह आपने u प्लस ए टी रखना है। तो s इज इक्वल टू v की जगह क्या रखेंगे, u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाय टू, और बाहर क्या है t, ठीक है, ये रख दिया। अब इसको सोल्व कर लो, तो s इज इक्वल टू क्या आएगा, s इज इक्वल टू कितने u हो जाएंगे यहाँ पर, 2u, u और u 2u, 2u प्लस 8t। अब देखो 2 इसका होल के नीचे था, पूरे के नीचे था, अब मैं इसके नीचे अलग लिख देती हूँ, इसके नीचे अलग लिख देती हूँ, ठीक है, इंटू में t, ठीक है। अब इस वाले 2 के साथ ये कट जाएगा, मैंने इसलिए इसको ऐसे लिखा था, ठीक है। आगे इक्वेशन क्या बनेगी, s इज इक्वल टू यू प्लस, ये अंदर 80 था, एक बाहर t था, ठीक है, इसको बाहर ही रहने दो, 80 बाय टू, ठीक है। और बाहर था स्टूडेंट इसके, t, ठीक है, बाहर इसके क्या था, t था। तो ये t बाहर था स्टूडेंट्स, तो यहां से देखो यही इक्वेशन ड्रो हो जाएगी हमारी, s इज इक्वल टू ये u अंदर चला जाएगा ut प्लस ये 80 स्क्वेयर हो जाएगा, 80 स्क्वेयर बाय में 2, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 बाय 2, यानी हाफ 80 स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन हमने ड्रॉ कर ली। अगली और लास्ट इक्वेशन जो ड्राइव कर रहे हैं स्टूडेंट, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो उससे पहले यहां पर एक चीज नोट कर लो, जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी वी माइनस यू बाय में टी, ठीक है। यहां मैं यहां से t की वैल्यू निकालू, इंटर एक्सचेंज करना है सिर्फ यहां से, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाय में a, ठीक है। तो यहां पर t की वैल्यू ये होगी, ठीक है, t भी निकल के, और आपका एक्सेलरेशन ये था, एक्सेलरेशन से मैंने t की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो इससे पहले आपने अभी जो डिस्टेंस कवर्ड वाली इक्वेशन लिखी थी s वाली, वो मैं दोबारा लिख रही हूं यहां पे, s इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और इनटू में टी, ठीक है। ये इक्वेशन ड्राइव की थी हमने, बस यहां पर उठा के टी की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी प्लस यू बाय टू, और टी की जगह क्या हो जाएगा, वी माइनस यू बाय ए, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस को जब तुम सोल्व करोगे, यहां पर तो फॉर्मूला लग गया, देखो ये क्या है, वी प्लस यू v माइनस यू, ये फॉर्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी वाला, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला v स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो यही तो इक्वेशन ड्राइव करनी थी हमने, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये 2a ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देती हूँ मैं आपका, यहां से इक्वेशन मेरी क्या बनी, ये ए एस ऊपर चला गया, यहां लिख देते हैं, चलो
2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यही वाली इक्वेशन हमने ड्राइव करनी थी। तो स्टूडेंट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो स्टूडेंट हमने ये सारी मोशन की जो चारों इक्वेशन थी ये फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो यदि कुछ दिक्कत हो, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े इजी तरीके से मैंने आपको ये सिखाई है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।